if there is no electricity in the home. Now let's start the chapter. You all use electricity for many purposes. It is very important for us as it makes many tasks easier. In the modern world, one cannot think to life without electricity. अगर इस modern world की बात करें तो कोई भी इंसान बिना electricity के नहीं रह सकता ठीक है देखो अगर हम देखते हैं electricity official works में भी ऑफिस वगैरह स्कूल्स वगैरह सबकी किसकी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एट होम टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अपलायसेज इन इंडस्ट्रीज टू ऑपरेटर टू यू योर लिस्ट में इंक्लूड फॉर लाइटनिंग रूम बाथरूम्स एंड किचन आयरन क्लोथ्स हीटिंग वाटर इन अ गीजर कुकिंग फूड इन अ माइक्रोवेव कीपिंग थिंग इनफ्रिजरेटर फॉर सैंस टेलीविजन टू लाइट अपन से आप देखते हैं मार्केट वगैरह में भी हर जगह आपको मॉल्स वगैरह में वो बहुत ज्यादा लाइटनिंग दिखाई देती है वो क्यों होती है अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं तो देर विल बी नो लाइटनिंग इन एवरी वन एवरी वन वि डो वेन इलेक्ट्रिस गेट्स ऑफ नाइट यू लाइट अपड अ स्विच ऑन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इन्वर्टर्स लेट अस लस फ्रॉम अ टॉर्च गेट्स इलेक्ट्रिसिटी देखो जैसे लाइट चले जाती है रात में कहते हैं टॉर्च लगा लेते हैं कांडल जला लेते हैं और इन्वर्टर्स वगैरह घर में तो आजकल इन्वर्टर्स होते हैं लोगों तो के घर में घर लाइट में चले जाते हैं तो भी लाइट्स रहते हैं वो किसकी वजह से होती है वो इन्वर्टर की वजह से होती है बहुत से बड़े बड़े हाउसेज में इंडस्ट्रीज में क्या लगे होते हैं जनरेटर्स लगे ठीक है नाउ वेयर डू दन इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम ठीक है हमने बात करा अब सबसे बड़ी बात यह ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन पावर स्टेशन एंड टू बाय वायर देखो पावर स्टेशन में तो जनरेट होती है फिर इनको वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है फिर एक मीटर बॉक्स होता है उसमें वो लाइट आती है अपने घर में भी देखा होगा आपने मीटर बॉक्स होता है फिर उसमें से सॉकेट होता है जो हाउस इलेक्ट्रिक अप्लायसेज में लाइट देता है लाइट आती है कहां से है पावर स्टेशन से आती है फिर उनको वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है फिर वो मीटर बॉक्स में उसको अटैच करके घरों में दिया जाता है अ अ केबल वायर कैरीज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स टू द हाउस थ्रू मीटर बॉक्स द मीटर मेजर्स हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड इन द हाउस फ्रॉम द मीटर बॉक्स ठीक है मीटर से आपने देखा होगा जो बिल होता है आपका बिल जनरेट होता है वो आपके मीटर बॉक्स से होता तो है तो वही बताया जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे वो वहां से उसका बिल जनरेट हो जाता है जितनी उसकी रीडिंग्स होती है वायर रन थ्रू द वॉल्स ऑफ आउटर सॉकेट द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज वेटिंग इन दायर टू यूज वायरस जैसे एक तरीके का टैबुलर फॉर्म में दिए गए की कैसे पावर स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायर वायर से कहा जाती है मीटर बॉक्स में जाती है मीटर बॉक्स से कहा जाती है सॉकेट इन हाउस इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज ठीक है आपको ये प्रोसीजर समझ में आऊगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है ना इलेक्ट्रिक सेल इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोर होती है आप जब भी से आप देखते हैं आप टीवी का रिमोट लेते हैं उसमें सेल्स लगाते हैं तो वर्क करने लग जाता है इससे क्या पता चल रहा है कि कैमिकल एनर्जी किसमें टर्न हो जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डर्न अ ड्राई सेल है इन मॉइस्चर टू अलाउ कर

Structure of a dry cell. The body of a dry cell is a deep cup made from zinc. The cup is coated from outside with the insulating material. A carbon rod with a metallic cap on it. It is placed in the center of the cup. The carbon rod is surrounded by with a muslin bag filled with manganese dioxide and five charcoal particles. The space between the muslin bag and the other zinc cap is filled with paste of chemical. एक इसमें क्या होता है तो आउट जिंक कैप होता है वो एक केमिकल से फिल्ड होता है जिसे क्या कहता है अमोनिया क्लोराइड उस केमिकल को क्या कहा जाता है अमोनिया क्लोराइड कहा जाता है द सेल इज सील्ड फ्रॉम द टॉप टेकिंग केयर दैट मेटालिक कैप द कार्बन ड्रॉड्स रिमेन प्रोजेक्टिंग आउट केमिकल रिएक्शन बिटवीन द केमिकल इन साइड द सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक ठीक है वो जो केमिकल होता है उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है <laughs>

ठीक है और ये जो बीच में है ये क्या है इट इज कार्बन इलेक्ट्रोड ठीक है नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब हैज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर एट द बेस इट हैज टू मेटल कॉन्टेक्ट द एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द मेटल सर्किल्स आर अटैच टू टू स्टेप वायर एंड अटैच टू अ थिन मेटल फिलामेंट द फिलामेंट सिट्स इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड अ ग्लास माउ द वायर्स एंड द फिलमेंट आर हाउस इन अ ग्लास बल्ब दैट इज फिल्ड विद इनर्ट गैस और ये इनर्ट गैस से भरे होते हैं जिसे क्या कहा जाता है आर्गन कहा जाता है ठीक है जैसे आप ये देख रहे हैं बल्ब ये क्या है यहाँ पे जो ये पार्ट होता है व्हाइट व्हाइट ये क्या होती है एक तरीके की गैस होती है ठीक है ये जो पार्ट होता है दिस वन पार्ट इज ये टनस्टर होता है फिलामेंट का क्या होता है टनस्टर होता है एंड ये जो दो ऐसे ये ऐसे वायर्स होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है ये सपोर्ट वायर्स होते हैं और ये क्या होते हैं जो आपने बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है दीज आर नोन एज लीड वायर्स इन्हें क्या कहा जाता है लीड वायर्स कहा जाता है और जो आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है वायर एंड दिस दिस पिंक पिंक इज इज वन एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट ट्यूब ट्यूब होती है और यहाँ पे क्या होता है फ्यूज होता है ठीक है एंड दिस इज कप ये क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है आपको समझ में आ गया आम आपकी ग्लास हो गया गैस फिल्डर इधर अंदर है इसमें आपने टेंसन देखा सपोर्ट वायर्स देखे ठीक है नाउ वेन अ बल्ब इज टू अ पावर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन कॉन्टेक्ट टू अनदर थ्रू द वायर्स एंड द फिलामेंट फिल्मेंट इज फिक्स टू टू थिकर वायर वन वायर टच इज द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर टच इज द मेटल केस ठीक है एक तो बॉटम पे होता है और दूसरा कहाँ पे टच होता है मेटल केस दीज वायर ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू फिल्म और एक इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं

इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट गेट्स कन्वर्टेड इंटू हीट एंड लाइट एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हीट एंड लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है जब वो कहाँ फ्लो करती है वो बल्ब में छोड़ती है देखो हम लाइट बल्ब को लगा रहे हीट मिल रही है उससे तो गर्माट मिल रही है और लाइट मिल रही है ठीक है तो इससे जब हम बल्ब को लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है हीट एंड लाइट एनर्जी

वो क्या लगता है जलना जो फिलामेंट होता है वो हेटअप हो जाता है और वो जलने लगता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन ग्लोइंग गिव्स हीट एंड लाइट दिस मींस दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद गैस कन्वर्टेड फ्लोस थ्रू ही देखो भाई जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब में जाएगी तो किसमें चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में ठीक है फॉर एक्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि सामने घर में बल्ब लगा रहे तो आपको रोशनी दे रहा था तो वो लाइट एनर्जी होगी और थोड़ा गर्म भी हो जाता है तो वो हीट एनर्जी होगी एन इलेक्ट्रिक करंट एन फ्लो व्हेन इट्स पाथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यू टू फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव जो फ्लो होता है वो किसमें होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट द सेटअप कंसिस्टिंग ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज इलेक्ट्रिक सेल द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक in such इन सच अ electric इलेक्ट्रिक करंट कैन along a closed लूप इज नोन एज इलेक्ट्रिक circuit. देखो ये बैटरी है यहाँ पे स्विच है ठीक है इससे अटैच्ड है और जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा और बल्ब जब लाइट हो जाएगा तो आपको क्या देगा हीट एनर्जी देगा और लाइट एनर्जी और, और एक सिंगल पाथ में ये मूव करता है

Broke. कभी कभी आपने देखा होगा शॉर्टकट होता है कहीं से कोई ऑफ अ बनक तार द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नो मोर फ्लो देर इज अ ब्रेक इन दार्थ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एज नो इलेक्ट्रिक करेंट पास थ्रू द फिल्मेंट द बल्ब डज नॉट ग्लो एंड दिस बल्ब ग्लो नहीं करता इसलिए से क्या कहा जाता है फ्यूज बल्ब कहा जाता है देखा ना फिलामेंट टूट जा रहा है, तो, नहीं पाता। इसको क्या कहते है ना बल्ब हो गया तो क्या होता है ठीक है दिखा रखिए हाउ टू मेक स्विच एंड शो इट यूज इन सर्किट एक्टिविटी आप अपने घर में करके भी देख सकते हैं नाउ इलेक्ट्रिक स्विच इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युअली होल्ड इलेक्ट्रिक वायर्स इन कॉन्टेक्ट इलेक्ट्रिक सेल

Is by a mm -hmm. इसको कौन कंट्रोल करता है mm -hmm. एक्टिविटीज घर पे को बना के भी देख सकते हाउ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क ठीक है अब मैं बताऊंगी आपकी जो इलेक्ट्रिक टॉर्च होती है वो कैसे वर्क करती है batteries generate electricity that flows to a bulb of a torch as soon as it switched on as a result the bulb lights up the bulb of a torch is more or less similar to a electric bulb the bulb of a torch is more and less hota hai similar to kiske electric bulb difference is that it lights up with a low current of few volts the batteries supply this current

ठीक है आप टॉर्च में जो बल्ब होगा ना वो आपको थोड़ा सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन साइड वेरी इजी कंडक्टर क्या होते हैं वो मेटीरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ठीक है और कैसे करते हैं क्यों, क्यों करते हैं

क्योंकि उनके क्या होता है हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी सर्फेस ना एग्जाम्पल्सिटी है तो हम ज्यादातर यूज नहीं करते ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर ब्रास स्टील गोल्ड एंडियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सिस्टम इन फॉर्म कॉपर हो गया ब्रास हो गया स्टील गोल्ड और एल्यूमिनियम हो गया बेसिकली क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा इसलिए हम इनका यूज करते हैं वायर्स वगैरह में हम इनका यूज कर मकरी इज एन एक्सीलेंट लिक्विड कंडक्टर दैट फाइंड्स यूज इन मेनी इंस्ट्रूमेंट मकरी क्या एक है एक एक्सीलेंट लिक्विड कंडक्टर एकट फाइव अस इन मेन हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में आपको मिलता भी है मकरी देखिए आपने देखा होगा छवीटर the

इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते Insulators क्या होता है current flow? नहीं नेचर एंड आर फाइंड यूज इन वेराइटी दे डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट एज वेल एज द प्रॉपर्टी दैट मेक्स इंसुलेटर डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर एक प्रॉपर्टी भी है जो कंडक्टर को इंसुलेटर अलग बताती है वो क्या है कहा जाता है इंसुलेटर डू नॉट है मेन रीजन देट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन देखो कंडक्टर हुए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए उन्हें गुड कंडक्टर कहा जाता है लेकिन इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता दैट इज वाई आर नोन एज इंसुलेटर इंसुलेटर आर यूज इन मेकिंग स्विच जो इंसुलेटर होते हैं इन साफ स्विच बनाते हैं बोर्ड बनाते, हैं, बनाते हैं टेस्टर्स बनाते हैं नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर ग्लास इज द बेस्ट इंसुलेटर एज इट हैज है देखो ग्लास जो है वो बेस्ट इंसुलेटर है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी है वो क्या है सबसे ज्यादा है

इलेक्ट्रिक शॉक कब आता है जब पर्सन इसके कॉन्टेक्ट में आता है विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो अ पोर्शन ऑफ बॉडी अ शॉक एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मे रिजल्ट इन नो इंजरी एट ऑल और मे रिजल्ट इन डिवास्टेटिंग डैमेज बहुत बार क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉक इतने हार्श होता है कि लोगों की डेथ मिल जाती बर्न्स आर द मोस्ट कॉमन इंजरी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक अगर बर्न्स की बात करें बहुत कॉमन इंजरी है जो किससे होती है इलेक्ट्रिक शॉक से देखो ना लोग से शॉक लगता है तो लोग जल भी जाते हैं उनकी बॉडी वो जल जाती है ठीक है चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर हम एक्सरसाइज करें नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन सेक्शन ए फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन

जो उसे क्या कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं पार्ट ऑफ टॉर्च बल्ब जो हमें लाइट देता है वो क्या होता है है या क्या आपका थिन थिन फिलामेंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन अ डैश इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन राउंड या फिर क्लोज इसमें आती है

The stopping and starting of flow of electricity current in electric circuit is controlled by. Now fill in the blanks. Now, second one is the electric circuit can flow only where its path forms a a loop form, a closed loop. The stopping and starting of flow of electricity in electric circuit is controlled by. Con control, switch control. A dash mirror is situated behind the bulb that reflects the light of the bulb in a form of D. Konsa hota apko? curved mirror. Next is and dash occurs. Kya ta? Electric shock. an electric cell has electric cell kitne terminals hota hai two terminals hote positive and negative now next is state true or false electric cells are devices that convert chemical energy into electric energy it's true an electric circuit can flow when its path forms a open loop it's false kaisa loop banata hai close loop bana Gases are not good conductors of electricity as the particles of matter gas. It's true. A device that breaks an electric circuit is called switch. Glass is the best insulator as it has right highest resistivity. It's true. Now section B. Right answer in one word. When does a torch bulb, Lights. When electricity is off. Here goes off.

आपको बताना है कि कंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर क्या है और उनके एक दे वॉट इज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल होता है क्या होता है दोनों का बताना है आपको विच ऑफ द फ्लाइंग अमंग आर द कंडक्टर और इंसुलेटर उसने आपको बताना है कौन से कंडक्टर है कौन से इंसुलेटर है हाउ डज इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क देखो इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे वर्क करती है वो आपको बताना आप डायग्राम भी बना सकते हैं

वाई ड्रिशियर रबर हैंड्स वाइल वर्किंग नॉट इज एन इलेक्ट्रिक शॉक वो बता रहे हैं आपको नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिफाइन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बन टाइग्राम वट इज वॉट इज एन इलेक्ट्रिक स्विच इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्विच बन टाइग्रम

कौन से वायर है दो दो वायर है वो बता सकते हैं ठीक है आपको क्या करना उसको बनाने के बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना ठीक है दैट सॉल्व फॉर यू अंडरस्टूड द चैप्टर थैंक यू